अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। पीएफआई के कारकुनों को गिरफ्तार करने का सिलसिला आज भी जारी है। अब इस तरह की कोई पहली वारदात तो है नहीं कि किसी मुस्लिम तंजीम इदारे जमात को निशाना न बनाया गया हो। भले हम आपस में मसलक जमात को लेकर कितना ही झगड़ते रहे, लेकिन इस्लाम दुश्मन आपको कभी तबलीगी बरेली या जमात इस्लाम अहले हदीस की नजर से नहीं बल्कि मोमिन मुसलमान की ही नजर से आपको देखेगा। यकीनन इस तरह सोचने वाले लोग भी बहुत कम हैं, लेकिन बदकिस्मती से इसी सोच फिक्र के लोग इख्तदार में बैठे और इन्हीं की सरकारी एजेंसियों के साथ इंतजामिया पर भी बहुत हद तक कंट्रोल रख चुके हैं। भारत की अपनी तारीख रही है कि यहाँ अर्ज दराज से गंगा जमुनी तहजीब पनपती आई है। अजान और भजन साथ में सुने जाते हैं। आखिर ऐसे वक्त में क्या किया जाए, ये भी बड़ा सवाल है। मुस्लिम माशरे का एक तबका ज़हनी दबाव में है और आने वाले मुस्तकबिल को लेकर परेशान भी है। तो अक्सर तबका यानी कि बड़ा तबका अपनी दुनिया कमाने में ऐश इशरत की दुनिया में मस्त जिंदगी जी रहा है। ना तो उसे बच्चों के मुस्तकबिल की फिक्र है और ना तो माशरे की फिक्र में मुलविस है। उसे उसकी जिंदगी को कैसे बेहतर बनाया जाए, किसी तरह कार बंगला गाड़ी का ख्वाब पूरा हो जाए, फिर हलाल हो या हराम सही गलत की परवाह किए बगैर लगा हुआ है अपने काम में। इन तमाम बातों पर फिर से तस्करा करना इसलिए जरूरी समझ रहा हूँ क्योंकि हालात दिन ब दिन बहुत ही नाजुक होते जा रहे हैं। आज दिल्ली में भी पॉपुलर फ्रंट के 30 अफरादों को जेर हिरासत लिया गया। बेलगाम में भी गिरफ्तारी अमल में आई है। यह वक्त लम्हे फिक्र का इसलिए भी है क्योंकि आने वाली नस्ल बिल्कुल हाशिए पर खड़ी नजर आ रही है। यह अलग बात है कि इस पर कोई सोचना समझना नहीं चाहता। बेलगाम के मुस्लिम इलाकों में एक वारदात पेश है, वारा वारा नाम से रुपये दिए जाते हैं। बड़ा ताज्जुब लगता है कि मोहल्ले की अक्सर औरतें इसमें मुलविस हैं और हफ्ते में 2 से 3 बार खुद किसी नाम से सोसाइटी से 2-3-4 लोग आते हैं, बतौर कर्ज रुपए दिए जाते हैं। मोहल्ले की एक खातून को जिम्मेदार भी बनाया जाता है, 40,000 से लेकर 1,00,000 रुपए तक कर्ज भी दिया जाता है और एक मोहल्ले में कई ग्रुप इसके बनाए भी जाते हैं। ताज्जुब की बात तो यह है कि गैर मर्द इन औरतों के दरमियान में बैठ कर कर्ज वसूली करते रहते हैं। इस पर सिवाय अफसोस के और क्या कर सकते हैं। औरतें बिल्कुल गरीब मजदूर पेशा घरों से या बर्तन मांजने वाली होती है। आखिर इस माशरे की पस्ती किन किन शोबों में देखी जाए। अब इन गरीब मोहल्लों में इस तरह लोग सूदी कारोबार में मुलविस होते हों जिसमें बड़ा तबका महज 2 वक्त की रोटी के लिए जद्दोजहद करता रहता हो। अब इसके लिए RSS की साजिश क्या और बजरंग दल की साजिशें क्या और इसे क्या लेना देना है इन तमाम मामलों का और क्या लेना देना है मौजूदा हालात से, भाजपा और कांग्रेस या फिर कुफ्र ईमान का फर्क समझने तक अगर हम कासिर हैं, अब इस माशरे पर मेहनत की कितनी जरूरत होगी। जमात मसलकों की मेहनत बहुत महदूद है। यकीन है जमात मसलक मेहनत कर रहे हैं लेकिन ये महदूद है। इनकी सोच और फिक्र मुशरिकीन दुश्मनान इस्लाम तक पहुंच नहीं सकती क्योंकि हमने पहले ही अपने आप को जन्नती करार देते हुए दूसरे मसलक को काफिर पहले ही करार दिया हुआ है। अब जब एक पूरी नस्ल से दुश्मनी अदावत में जवान हो चुकी हो, एक नस्ल बुढ़ापे की कगार तक पहुंच चुकी हो, तो इसे असल दुश्मन की पहचान कैसे होगी। आज जब हालात आ रहे हैं तो किस दिशा और किस सिफ्त में जाना समझ में नहीं आ रहा। कभी तबलीगी जमात को निशाना बनाया जाता रहता है तो कभी अहले हदीस, कभी बरेली, शायद कोई भी संगी साजिशों से बच नहीं पाया। जाहिर है मुख्तलिफ मसाइल में कौम का बड़ा हिस्सा उलझता चला गया तो फिर जिंदगी जीने का मकसद क्या हो सकता है। क्या यूं ही जानवरों की तरह जिंदगी जीकर चलिए और यही हो रहा है। अगर कुछ लोग जद्दोजहद कर भी रहे हैं, हक बात बोलने के दुश्मनों के साजिशों को समझकर मंसूबाबंद तरीके से अमल करने की कोशिश कर भी रहे हैं तो इन पर दुश्मन की तरफ से तो हमला होता ही है, पर जिस माशरे के लिए जेल के सलाखों के पीछे जाना पड़ता है इनका रद्द अमल भी उससे भी खतरनाक होता है। लिहाजा ऐसे वक्त में मुसलमानों को भी अपनी पॉलिसी को बदलना पड़ेगा क्योंकि मीडिया, फिरकापरस्त पार्टियां, फिरकापरस्त तंजीमें मुसलमानों को लेकर गलत नैरेटिव चलाकर मुसलमानों को बदनाम कर रही है। अब वक्त उलझने का नहीं है क्योंकि भाजपा या संघ की विचारधारा के लोग यही चाहते हैं। ऐसे वक्त में बेंगलोर के बनारघट्टा में जयदेव अस्पताल के करीब जो बिलाल मस्जिद है वहां पर एक नई तहरीक चलाई गई। इससे कुछ हमें सीखना होगा जिसका असर भी देखा जा। यहाँ के जमात के जिम्मेदारों ने गैर मुस्लिमों को दावत देकर मस्जिदों में होने वाली नमाज, मस्जिद के अमान, मस्जिद का माहौल क्या होता है इसका नजारा कराया। लिहाजा कईयों ने इस पर अपनी राय देते हुए कहा कि हमें जो बताया जाता था वो गलत था कि मुसलमान 5 वक्त जमा होकर मस्जिद में साजिशें करता है। कहने का मतलब थोड़ा मुसलमानों को इस तरह अपने ताल्लुकात को बढ़ाना चाहिए। यकीनन मुसलमान फसादी नहीं है, किसी इबादत गाहों पर पत्थर नहीं फेंकता और ना ही किसी को मारने काटने की तलकीन देता है। यह अलग बात है कि गलत नैरेटिव के जरिए मुसलमानों की नेगेटिव तस्वीर बनाई गई है।
मीडिया जिस पर अक्सर कोर्ट ने कहा कि गैर जिम्मेदाराना बयानात डिबेट और तबसरे करता है, लेकिन आज भी मीडिया अपने घिनौने संघीय एजेंडे से बाहर नहीं आ रहा है। जाहिर है मोदी हुकूमत ने अपने इख्तदार की बुनियाद पर अदलिया इंतजामिया मीडिया पर कब्जा कर रखा है और इसी सियासी रसूख को इस्तेमाल कर एनआईए सीबीआई आईबीईडी के छापेमारी करता रहता है। मस्जिद की जमातों की बड़ी जिम्मेदारी होती है, पर आजकल तो माशरा किसी की सुनने को तैयार ही नहीं है। ना तो उलमाओं के कंट्रोल में मिल्लत का बड़ा तबका है और ना ही उलमाओं के बाद मिल्लत का कोई तबका सुनने के मूड में है। आज भी उसी पुरानी नहज पर दीनी सियासी रहनुमा मस्जिद मदरसों के जिम्मेदारान चलते हुए देखे जा रहे हैं। मस्जिद मदरसों पर बुलडोजर तक चलने की नौबत आई, लेकिन आज भी जिम्मेदार दीनी सियासी रहनुमा टस से मस होने को तैयार नहीं। आज पीएफआई के अपराधों को गिरफ्तार करने के बाद किसी में यह हिम्मत नहीं कि संविधान के दायरे में रहते हुए सवाल तो पूछे जाए। आज जब बेलगाम शहर में गिरफ्तारियां अमल में आई तो क्या किसी जमात के जिम्मेदारों ने इंतजामिया से सवाल पूछे क्या आखिर इनका जुर्म क्या था? अगर महज दफा 110 के तहत कार्रवाई हुई है तो आज ही जमानत हो जानी चाहिए थी, पर सवाल करेगा कौन? क्या मुसलमानों ने पहले ही ये जहर बना लिया है कि हमें इंसाफ नहीं मिलने वाला? क्या अदालत कानून मुसलमानों के लिए नहीं है? यकीनन आज भी है और आज भी अदलिया इंतजामिया में ईमानदार पुलिस अफसरान मौजूद है, लेकिन सवाल तो पूछा जाए पर देखा यह जा रहा है कि किसी को किसी की परवाह है नहीं। अलग अलग पार्टी जमातों मसलकों ने हमें तार तार करके रख दिया है, हम क्यों जाए? वो हमारी जमात का थोड़ी ना है, या फिर क्या जरूरत थी उसे? देख रहे हो ना कैसे हालात है। लिहाजा ऐसे लोगों की ही भरमार पूरे माशरे में। आखिर में मस्जिद के मेंबरों से हक बात न बोलने के नतीजे भी ये हुए कि आज के हालात में मुसलमानों का रद्द अमल होना चाहिए या फिर बुजुर्गों की तारीख क्या थी इसका तस्वुर भी नहीं रहा। महज अमाल का राग अपने से कुछ नहीं होता, बल्कि अपनी सोच और फिक्र को दीनी नहज पर ढालना होगा। अब जब कौम और मिल्लत की इतनी खस्ता हालत है तो मिल्लत का बड़ा तबका आज भी मिलादुन्नबी को डीजे लगाने की फिराक में है, अब इसे क्या कहा जाए? औरतें आजाद ख्याल बनती जा रही है, दीनी बेजारी नौजवानों में शिद्दत से देखी जा रही है, दीनी अमाल महज रस्म बनते दिखाई दे रहे हैं, इबादतों से रूहानियत खत्म होती जा रही है। लिहाजा इस वक्त में इत्तेहाद का दामन थामना होगा। बिखरे हुए मुस्लिम समाज को फिर से जोड़ने की फिक्र हमारी जिल्लत को इज्जत में तब्दील कर सकती है, क्योंकि साजिशों का तूफान जारी है, बहुत कुछ और भी हमारे हाथों से निकल जाने वाला है। लिहाजा एक हो जाओ तो बन सकते हो खुर्शीद मुबीन, वरना इन बिखरे हुए तारों से क्या बात बने? सियासी पार्टियां सियासी लीडरों के चापलूसी से निकल कर मिल्लत की फिक्र में वक्त सर्फ करे और शायद यही एक रास्ता हमारे पास बचा हुआ। जहां एक तरफ चीता को भारत में लाकर वजीर आजम वाहवाही बटोरने में मसरूफ थे, उसी वक्त गौ माता गौ वंश यानी गायों को लिम्पी स्किन की बीमारी ने घेर लिया है। मुल्क भर में अब तक लिम्पी स्किन की बीमारी ने अपना दायरा वसी करते हुए बेलगाम तक ये बीमारी पहुंच चुकी है। इत्तला के मुताबिक 20 के करीब गायों की मौत लिम्पी स्किन की बीमारी से हुई है। इस बीमारी से लाखों गायों की मौत अब तक हो चुकी है। जहां गायों को बचाने की जरूरत थी वहीं पर वजीर आजम को चीता लाने की फिक्र लगी हुई थी। लिहाजा अब गौ माता और गौ वंश को बचाने की तहरीक कई हिंदुत्व तंजीमों की जानिब से चलाई जा रही है। सबसे ज्यादा राजस्थान मुतासिर हुआ है, मध्य प्रदेश गुजरात महाराष्ट्र में अब इस बीमारी ने अपने दायरे को वसी किया हुआ है। अब इस बीमारी ने अपने पांव फैलाना शुरू किया हुआ, कई गौशालाओं में सैकड़ों हजारों गायों को उठाने के लिए तक लोग मयसर नहीं हो रहे। कई जगहों पर जेसीबी से मरी हुई गायों को उठाया जा रहा है। लिहाजा हुकूमत की जानिब से गायों का दूध ना पीने का भी मशवरा दिया हुआ है। गायों को जिस्म पर गांठियां हो जाती है और तड़प तड़प कर मर जाती है। गायों से इंसान को बीमारी लग तो नहीं सकती, अगर किसी इंसान ने पी लिया तो इंसान की जान को भी खतरा हो सकता है, ऐसा कहा जा रहा है। लिहाजा बेलगाम जिले में बढ़ती बीमारी के मद्देनजर फिक्र का इजहार भी किया जा रहा है। इस नई बीमारी से किसान काफी परेशान, आखिर हुकूमत संजीदा क्यों नहीं है? जबकि महज बिफ खाने पर या घर में रखने पर गो हत्या के इल्जाम में इंसानों को जान से मारा जाता था, तो अब हजारों जानवर बीमारी से मर रहे हैं, तो हुकूमत आखिर इस गोवंश की हिफाजत के लिए क्या कर रही है? क्या जानवरों से मोहब्बत सिर्फ किसी धर्म शरीर से नफरत के लिए ही है क्या? ऐसा सवाल भी लोगों की जानिब से करते हुए देखा जा रहा है। अले कना
हुक्केरी थाने के गुड़स गांव के हिरण्यकेशी नदी के किनारे सरकटी लाश बरामद की गई थी, जिसको सुलझाने में हुक्केरी पुलिस को कामयाबी हासिल हुई। बेलगाम के एसपी संजीव पाटिल ने बताया कि इस मामले में दो अपराधों को हिरासत में लिया गया। सरकटी लाश 10 से 12 साल के लड़के की थी, जिसके कमर पर स्कूल यूनिफॉर्म की टाई बंधी हुई थी। लिहाजा इसी दरमियान में यमकनमाड़ी से बच्चे की गुमशुदा की फरियाद भी दर्ज थी, लिहाजा पहले शक की बुनियाद पर एक को गिरफ्तार किया था, जिसने बाद में कत्लकांड करार किया। लाश बरामद हुई लेकिन अब तक बच्चे का सर नहीं मिला है, जिसकी तलाश जारी है। इस मामले को सुलझाने पर पुलिस महकमा के खदमात को सराहा जा रहा है। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, देखते रहे इत्यादि न्यूज। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। हयात यूनिसेक्स सैलून एंड स्पा का आज इनॉग्रेशन हुआ है। होटल शिवा कोल्हापुर सर्कल हदीश्वर इलेक्ट्रॉनिक्स के बिसाइड में, और दिस इज़ द वन ऑफ द बेस्ट सैलून इन द टाउन। और मैं सब बेलगाम के लोगों से गुजारिश करूँगा कि एक बार सैलून देखने के लिए आए। वी हैव द बेस्ट स्टाफ, द बेस्ट वाइब, और आप इस न्यूज़ के वीडियो जो इकबाल भाई ने लिए हैं उसमें देख सकते हैं। Just the one thing I want to say, you're the best and we need your support, and I'm the local Belgamite, so bas dua mein yaad rakho, assalamu alaikum.